स्टार फ्रूट जिसे हम कामरक भी कहते हैं विटामिन सी रिच फ्रूट है। इसे हम पिकल बनाने के लिए या वैसे ही खाने के लिए भी यूज करते हैं। ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है एंड ऑल्सो रिड्यूस फैटी लिवर रिस्क। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कुकिंग विद सिमरन। टुडे आई एम गोइंग टू मेक स्टार फ्रूट पिकल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार फ्रूट्स को मैंने वॉश कर लिया है, इसे अब हमें कट करना है। तो आप इसे लेंथ वाइज भी कट कर सकते हैं, मैं इसे स्टार शेप में कट कर रही हूँ बिकॉज वो स्टार शेप में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो आप इसे मोटा पतला जितना भी आप जैसा भी आप कट करना चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं। इसका हम खट्टा मीठा अचार डालने वाले हैं। ये ऊपर का जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल देंगे। इसमें सीड्स भी होते हैं, वो भी हम निकाल देंगे। वो सीड्स थोड़े से बिटर होते हैं और खाने में अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो उसको भी हमने निकाल दिया है। ऐसे ही बस हम सब फ्रूट्स को कट करते जाएंगे। कट होने के बाद ये स्टार शेप के लगते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ जिसे मैंने गर्म कर लिया है और गैस ऑफ किया मैंने अभी बिकॉज ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून हींग डाला है। हींग का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स यानी राई के दाने वो भी ऐड कर रही हूँ। ये मैं रेड मस्टर्ड सीड्स ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। अगर आपके पास येलो हैं तो आप येलो मस्टर्ड सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। गैस अभी भी ऑफ है बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना है मस्टर्ड सीड्स को और हींग को, अदरवाइज वो जल जाएंगे और उसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं गैस को अब ऑन कर रही हूँ। मस्टर्ड सीड जैसे स्प्लटर होंगे हम उसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर से कलर भी अच्छा आएगा और वो फ्लेवर भी उसका अच्छा होता है। इस पिकल को हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं डलते हैं और ये चपाती रोटी सबके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसका खट्टा मीठा अचार जो टेस्ट आता है इसका खट्टा मीठा वो बहुत टेस्टी लगता है। सो ये स्प्लटर हो गए हैं मस्टर्ड सीड। हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। मैं ये 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूंगी। जैसे ये हल्दी तेल में अपना कलर छोड़ देगी हम इसमें स्टार फ्रूट भी ऐड कर देंगे। ये भी हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन्हें बस हमें तेल में अच्छे से मिक्स करना है, बहुत देर तक इसे पकाना नहीं है। जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे हम इसमें चिली पाउडर भी डाल देंगे। तो मैं इसमें लाल देगी मिर्च डाल रही हूँ, वो बहुत तीखी नहीं होती है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च आती है वो भी बहुत तीखी होती है, आप वो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1 टेबलस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, बट इतने स्टार फ्रूट के लिए 1 टेबलस्पून इनफ है। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हम खट्टा मीठा अचार बना रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा जैगरी गुड़ यानी गुड़ ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और जैगरी पाउडर आता है शक्कर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप वो ऐड करें तो वो 2 टेबलस्पून आप डालेंगे। ये मैंने 2 स्मॉल पीसेस गुड़ के लिए हैं, बहुत ही स्मॉल पीसेस थे, उससे मैंने कट कर लिया है और इसमें मिक्स किया है। तो हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाना है सो दैट कि जो गुड़ है वो तेल में अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो पिकल हम बना रहे हैं उसके साथ मिक्स हो जाए। इसे थोड़ा सा कवर करके रख रही हूँ 1 मिनट के लिए सो दैट कि गुड़ मेल्ट हो जाए। मैंने बहुत ज़्यादा देर तक कवर नहीं किया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ ऐड कर रहे हैं, वो सौंफ का फ्लेवर और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसको हमें बाद में ही ऐड करना है बिकॉज इसका रॉ टेस्ट ही अच्छा लगता है पिकल में।
गुड़ भी मेल्ट हो गया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस कर रही हूँ बिकॉज ये सॉफ्ट हो गया है, इजिली प्रेस हो रहा है। इसको भी हम अच्छे से बस मिक्स करना है हमें। जितना आप ड्राई चाहते हैं आप उतना इसको ड्राई बना सकते हैं। अगर आपको इसका जो खट्टा मीठा सिरप है वो टेस्टी लगता है तो आप ऐसे भी बस अभी हल्का सा बॉयल आते ही आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको इसको बहुत ड्राई बनाना है इस पिकल को, तो आप बिल्कुल जब तक कि गुड़ और वो सब घी नहीं छोड़ देता है तब तक आप इसको पका सकते हो। मैं इसे सिरप के साथ रेडी कर रही हूँ बिकॉज इसका खट्टा मीठा सिरप बहुत टेस्टी लगता है और ज़्यादा पकाने से उसका जो क्रंच है स्टार फ्रूट का वो भी चला जाता है और उसकी शेप भी प्रॉपर नहीं रहती है बिकॉज वो सॉफ्ट बहुत हो जाते हैं। ये रेडी हो गए हैं, गैस मैं अब ऑफ कर दूंगी। इसे हम एक जार में निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।